गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि जेनेटिक्स का सेकेंड चैप्टर है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो जो नए हैं, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद आर्यन, और जो पुराने हैं द गुड ऑल विशेस, जिससे कि आप लोग बेस्ट अपना रिजल्ट दे सके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज़ अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ क्लोवर लीफ? क्लोवर लीफ जैसा कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है? तो क्लोवर लीफ का सबसे पहला जो है आपका, जानते हैं कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पीछे जाता हूँ। आरएनए जो होता है आपका तीन टाइप का होता है, दैट इज टीआरएनए, आरआरएनए और एक हो जाता है एमआरएनए। फुल फॉर्म की बात करें तो टीआरएनए डेट इज़ अ ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए डेट इज़ अ मैसेंजर आरएनए। तो आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, एमआरएनए जो होता है इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम डीएनए टू पॉलीपेप्टाइड, और एचएनआरएनए जो होता है वो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए में रहता है। तो बच जाता है आपका टीआरएनए। तो टीआरएनए इज कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल कर लगता है और क्लोवर लीफ जैसा दिखने में आता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आरएनए जो होता है राइबोसोम में रहता है, एचएनआरएनए दैट इज़ हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं दैट इज़ अ मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का मेनली काम होता है इन्फॉर्मेशन जो ले जाता है फ्रॉम डीएनए टू पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन। अदर देन डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस? डीएनए सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? तो आपको आंसर बता दूं कि डीएनए पॉलीमरेज छोड़ के आपका कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो डेट इज़ अ आपका हो जाएगा आंसर विल बी टोपो आइसोमरेज, हेलिकेस, आरएनए प्राइमेज, डेट इज ऑल थ्री आर द आंसर। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस क्यों होगा उसका मैं बताता हूँ कि हेलिकेज इंजाइम जो रहता है उसको अनवाइंडेज भी बोलते हैं, पहला लेते हैं हेलिकेज विच इज़ ऑल्सो कॉल अनवाइंडेज, और इस इंजाइम का काम होता है डीएनए का जो दो स्टैंड रहता है उसको सेपरेट आउट करना। सेकेंड आते हैं टोपो आइसोमरेज की बात करेंगे, तो टोपो आइसोमरेज में रहता है टेंसन जो प्रोड्यूस होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए उसको रिड्यूस करता है। दैट मीन्स टेंशन जो प्रोड्यूस हो रहा है अनवाइंडिंग के चलते, जैसे डीएनए को मैंने आपका अनवाइंड कर दिया हेलिकेस एंजाइम से, तो जो भी टेंशन क्रिएट होगा इस एंड पर और इस एंड पर और इस एंड पर इसको रिलीज करेगा, डेट इज टोपो आइसोमरेज। अगर टोपो आइसोमरेज नहीं रही है, नहीं मौजूद है, देन इट विल बी डन बाय डीएनए गायरेज। अब जो है थर्ड जो है आरएनए प्राइमेज, तो आरएनए प्राइमेज का काम होता है, इसको आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, और जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए, इसको आरएनए प्राइमर या फिर सिंपल प्राइमर भी बोलते हैं। तो आपको तीनों जो होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है डीएनए सिंथेसिस में। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। एंजाइम यूज्ड फॉर जॉइनिंग द टू डीएनए फ्रैगमेंट्स आर? एंजाइम जो खासकर इस्तेमाल होता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए, तो उसका आंसर जाएगा डेट इज़ अ डेट विल बी लाइगेज। लाइगेज आंसर विल बी डीएनए लाइगेज इज़ द आंसर। और डीएनए लाइगेज जो होता है खासकर दो फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए काम आता है, तो बोल सकते हैं डीएनए लाइगेज इन द एंजाइम विच हेल्प इन जॉइनिंग द टू फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जो रहता है उसमें, और उस फ्रैगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो एंजाइम खासकर यूज़ होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, जो कि जॉइन करता है ओकाजाकी सेगमेंट को, और उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है जिससे कि वो उसको जॉइन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
डीएनए लाइगोस को, एक चीज़ और आपको, डीएनए लाइगोस को डीएनए सीलिंग एंजाइम भी बोला जाता है जो सील करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन द डीएनए कैन बी सीन बाय, किस मेथड से न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट को सीन करता है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, एक 1953 में विल्किंस जो थे वो एक वेरी फाइन एक्सरे क्रिस्टोग्राफी किए थे पिक्चर ऑफ डीएनए फ्रॉम विच वाटसन एंड क्रिक डेवलप द डबल हेलिकल मॉडल। तो आंसर विल बी दैट इज एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। तो ये 1953 में विल्किंस ने किया था, जो खासकर एक्सरे क्रिस्टोलोग्राफी किया था डीएनए का, जिसके बेस पर वाटसन एंड क्रिक डेवलप किया डबल हेलिकल मॉडल। तो डबल हेलिकल मॉडल जो हुआ था वो आपका एक्सरे क्रिस्टोलोग्राफी जो कि विल्किंस ने 1953 में किया था उसके बेस पर किया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज़ अ माइक्रोस्कोप जो कि काफ़ी ज़्यादा जूम या फिर जिसको मैग्नीफिकेशन के लिए इस्तेमाल, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग दैट इज़ अ डिफरेंट मेथड, लाइट माइक्रोस्कोप जनरल माइक्रोस्कोप को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अ फिफ्थ क्वेश्चन। द ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन द डीएनए चेन ग्रोथ का काम क्या रहता है। ये जैसे मैंने बताया ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है, दैट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। खासकर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है वो डीएनए लाइगेस के द्वारा जोड़ा जाता है, और रेप्लिकेशन जो होता है वो 5-2-3- होता है। तो 5-2-3- आंसर विल बी थर्ड वन। यहाँ पर दिया हुआ देखिए 5-2-3- डायरेक्शन चलता है। तो 5-2-3- में जो होता है रेप्लिकेशन होगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट का ऑन सिंथेसिस ऑफ 3-2 डीएनए, रेप्लिकेशन डीएनए टेम्पलेट पर होता है। तो जॉइनिंग टू फॉर्म अ लैगिंग स्ट्रैंड जो 3-2-5- होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपका रेप्लिकेशन जो होगा 5-2-3- में, जिसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट को दौड़ा जाता है, और ख़ासकर इसके ओपोजिट में 3-2 डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसको बोलते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का पहले आपको बता दूँ, रिवर्स डैट इज़ अ बैक ट्रांसक्रिप्टेज, डैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए का बनता है, जिसको डायरेक्ट वे में बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच आरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। पर यहाँ पर रिवर्स बोला जा रहा है, डैट मीन्स फ्रॉम आरएनए आपको डीएनए बनेगा, डैट इज़ कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पर यहाँ पर देखिए एएसई लगा हुआ है, डैट मीन्स इंजाइम का बात कर रहे, जो इंजाइम आरएनए से डीएनए की तरफ ले जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो आंसर विल बी आरएनए डिपेंडेंट फोर्थ वन, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये बोल सकते हैं जैसे कि इसमें इंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन में, या फिर इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। टेमिनिज्म, टेमिनिज्म भी बोला जाता है, डेट इज ऑल्सो द अदर नेम ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डेट इज द सेवेंथ क्वेश्चन। टेलोमरेज इंजाइम इज, टेलोमरेज इंजाइम जो होता है किस चीज़ का काम करता है, डेट इज़ अ वो क्या होता है, डेट इज़ अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, डेट इज़ अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। टेलोमरेज इंजाइम एक्चुअली इट इज़ अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज करता है रिच स्ट्रैंड ऑफ टेलोमियर्स इन डीएनए। अब टेलोमेयर कहाँ पर होता है, तो एक स्ट्रक्चर बना दूँ कि टेलोमेयर इज़ एक तरह का इंजाइम होता है जो क्या कहें स्पेसिफिक डीएनए सिक्वेंस खास कर लेते हैं, जैसे TTA GGG इस टाइप से, जैसे कि रिपीट्स करता है, इसको जोड़ता है प्री प्राइमर के साथ जोड़ता है। टेलोमेयर कंटेन कंडेंस्ड डीएनए मटेरियल जो होता है गिव स्टेबिलिटी टू द क्रोमोसोम। आपका टेलोमेयर का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टेलोमेयर आपका टर्मिनल पोजीशन पर मौजूद होता है, जैसे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक क्रोमोसोमल आर्म का स्ट्रक्चर बनाए, टेलोमियर विल बी दिस वन। ये जो लेते हैं क्रोमोसोमल आर्म के टेल पोर्शन पे, या फिर बोल सकते हैं टर्मिनल पोजीशन पर, तो वहाँ पर टेलोमियर होता है जिसकी कंडेंस्ड डीएनए मटेरियल होता है और खासकर स्टेबिलिटी टू द क्रोमोसोम देता है। इंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, कैरी करता है आपका खुद का
खुद का जो होता है आरएनए मॉलिक्यूल जो कि टेम्पलेट के ऊपर होता है, और टेलोमरेज इंजाइम जो होता है, खासकर टेलोमरेज इंजाइम इसको डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट थे कैरोल, फुल नाम है कैरोल ग्राइडर, GRE IDER ग्राइडर, जो कि 1984 में डिस्कवर किए थे। तो दो चीज़ आपको याद रखिएगा, और टेलोमरेज इज़ अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, खासकर टेलोमरेज जो होता है डिस्कवर किया गया था कैरोल ग्राइडर 1984 को। और टेलोमरेज जो होता है एक तरह का एंजाइम होता है जो कि एड स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जो खासकर TTAGGG इसको ऐड करता है एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इन टेलोमेरिया रीजन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ CTGATC इसको ट्रांसक्राइब्ड ओवर एमआरएनए, ट्रांसक्राइब्ड करना है डेट इज एमआरएनए के ऊपर, तो आंसर विल बी सी है। तो यहाँ पर पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे CTGA। आपको ज़्यादा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट 4 लेटर ही लीजिए, दैट इज़ सफिशियंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब आपको पूछा है डीएनए टेम्पलेट बनाना, तो जब भी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए टेम्पलेट कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए फॉर्म्ड करेगा, थाइमिन जो है रिप्लेस करेगा यूरासिल से, थाइमिन जो है रिप्लेस करेगा यूरासिल से। तो सबसे पहले सी है तो उसका उल्टा में जी होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ जी दिख रहा है, जो जी नहीं है तो पहले इसको काट दीजिए। दूसरा चलते हैं डेट इज़ अ टी, टी के ऑपोजिट में होना चाहिए ए, तो जहाँ ए नहीं दिख रहा है वहाँ पहले काटिए, तो ये हो गया पहला भी कट गया। अब चलते हैं दूसरा है जी, तो जी के ऑपोजिट में सी होना चाहिए, तो जहाँ पर सी नहीं दिख रहा उसको काटिए, तो ए भी कट गया, तो आंसर विल बी दिस वन, सेकेंड वन विल बी आंसर। बाकी आपको उतना सॉल्व नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है, आपको फर्स्ट 3 to 4 आप कोड को अगर कोड कर लीजिएगा, डी कोड कर लीजिएगा, काफ़ी है, डेट इज़ सफिशियंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज़ 9th क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोजोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, और उसको क्या बोलते हैं? तो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को ओराई बोलते हैं, डेट इज़ ORI, डेट इज़ फुल फॉर्म इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोसीड ऑन बोथ साइड, जो होता है यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, जो कि बहुत रेयर देखा जाता है यूनिडायरेक्शन। आरएनए प्राइमर इन्वॉल्व होता है बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो यहाँ पर होगा बोथ डायरेक्शन में होता है, तो आंसर विल बी मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे, यूनिडायरेक्शनल बहुत कम देखा जाता है कि वो जो होता है बोथ डायरेक्शन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज़ अ 10th क्वेश्चन, द एंजाइम विच हेल्प्स इन कट वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स टू रिलीज द टेंशन ऑफ कॉइलिंग, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि टोपो आइसोमरिज्म का काम होता है कि अनवाइंडिंग होने के बाद जो कि टेंशन हुआ है उसको रिलीज आउट करना, तो आंसर विल बी द टोपो आइसोमरिज्म, बट कीप इन माइंड इफ टोपो आइसोमरिज्म इज एबसेंट देन इंस्टेड ऑफ इट इज डीएनए गायरेज विल बी टेकन। ओके, यहाँ पर टोपोआइसम ड्यू टू द प्रोसेस रेप्लिकेशन, जो कि खासकर कट वन स्टैंड ऑफ डुप्लेक्स रिलीज द टेंशन फ्रॉम द कॉइलिंग ऑफ टू स्टैंड, दैट इज द टोपो आइसोमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11th क्वेश्चन, हिस्टोन इज वॉट, हिस्टोन होता क्या है? तो हिस्टोन जो होता है एक तरह का बेसिक प्रोटीन होता है, रखेगा इट्स अ बेसिक प्रोटीन, नॉट ग्लाइको प्रोटीन, म्यूको प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन जो होता है डेट इज अ बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन डेट इज वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वॉज स्टेब्लिश्ड बाय, वन जीन वन एंजाइम वॉज स्टेब्लिश्ड बाय, तो खासकर जो होता है फर्स्ट टाइम जो किया गया था एक्सपेरिमेंट किया गया था न्यूरोस्पोरा के ऊपर, न्यूरोस्पोरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और इनको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बीडल एंड टेटम, साइंटिस्ट का नाम था बीडल एंड टेटम, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूरोस्पोरा के ऊपर, और
जो कि बोला था कि ईच जीन इन एन ऑर्गेनिज्म कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। मतलब एक हर जीन जो होता है ऑर्गेनिज्म में वो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। इट इज दस द एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन एंड लीड टू द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकोकस। ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकोकस वॉज फाउंड सॉरी एज फाउंड आउट बाय एवेरी मैकलियोड एंड मैकाटी। अब जो है क्या ट्रांसफॉर्मिंग हुआ था, तो एक्सपेरिमेंट तीन एक्सपेरिमेंट किया गया था। दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ था, देन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ऑल दिस प्रोसेस आर बीन डन इन ऑर्डर टू प्रूव दैट डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। आंसर विल बी डीएनए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग जो केमिकल बेसिस जो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट था जो कि ग्रिफिथ द्वारा किया गया था, उसमें केमिकल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, केमिकल नेचर के बारे में नहीं किया गया था, जो कि प्रूव आउट हुआ था एवेरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, जो कि प्रूव किए थे डीएनए हैज़ केमिकली बेसिस ऑफ नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन वन हेलिक्स ऑफ बी डीएनए। बी डीएनए जो नॉर्मली होता है, फाइव टाइप्स का डीएनए होता है। डेट इज ए बी सी डी एंड जेड। जेड डीएनए होता है, जो कि नॉर्मली हम लोग के केस में जो होता है, ह्यूमन के केस में बी डीएनए होता है, और एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें 10 होता है। दैट इज 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वन हेलिक्स ऑफ बी डीएनए के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेट इज 15th क्वेश्चन। रीड द फोर स्टेटमेंट। आपका चार स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है और इसमें ये देखना है कि कितना स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले चलते हैं स्टेटमेंट वन की तरफ। इन ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसाइन पेयर विथ अ यूरासिल। ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो आपका सही है कि नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो होता है ए के पैरेलल यू होता है, इट इज़ अ करेक्ट वन। ओके, सेकेंड वन है रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरन बाय द रिप्रेसर इज रेफर्ड एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरन जो होता है रेफर्ड एज ए नेगेटिव रेगुलेशन, उसको बोला जाता है, पॉजिटिव नहीं बोला जाता है, इसको रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन, तो सेकेंड विल बी रॉन्ग। थर्ड जो होता है डेट इज़ अ ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्स 50,000 जीन। तो बोला जाता है कि ह्यूमन जीनोम के पास जो होता है अराउंड 20,000 टू 25,000 बिलियन जीन होता है। तो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, सेकेंड गलत हो गया, फर्स्ट भी सॉरी सेकेंड भी गलत, थर्ड भी गलत। अब जो होता है डेट इज़ ए हेमोफीलिया इज सेक्स लिंक, ए आपका सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट भी सही हो गया, फोर्थ भी सही हो गया, तो आंसर विल बी टू, दो आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेट इज 16th क्वेश्चन। इन नेगेटिव ओपेरॉन, नेगेटिव ओपेरॉन में क्या होता है, तो डेट इज़ अ को रिप्रेसर बाइंड विथ अ रिप्रेशर। को रिप्रेसर जो होता है और रिप्रेशर जो होता है बोथ आर प्रोटीन। नेगेटिव ओपेरॉन बोलते हैं, रिवर्सिबल रिप्रेसिबल बोलते हैं ओपेरॉन को। द रिप्रेसिबल को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जो बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ, और द फ्री रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद अ ऑपरेटर। द आंसर विल बी डेट इज अ फर्स्ट वन। 17th क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टेरियम टू द अनदर इन द ट्रांसडक्शन पासस थ्रू। तो डीएनए प्रूफ जो किया जाता है, डीएनए से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया जाता है। डेट इज अ यूज अ बैक्टीरियोफेज विच इज़ अ बैक्टीरियल वायरस। दैट मीन्स अ वायरस विच किल्स द बैक्टीरिया एंड यूज द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलोमियर एंड यूकेरियोटिक क्रोमोसोम पोजेस शॉर्ट सेगमेंट ऑफ। तो टेलोमियर ऑन यूकेरियोटिक क्रोमोसोम पोजेस अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ, तो ये रहता है आंसर विल बी अ गुआनिन रिच होता है। गुआनिन रिच रिपीट्स होता है जो कि खासकर टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्रोमोसोम के आर्म के सबसे टर्मिनल सेगमेंट पर टेलोमियर प्रेजेंट आउट होता है।
यूकैरियोटिक क्रोमोसोम भी शॉर्ट सेगमेंट में रहता है, और ये जो पोर्शन होता है खासकर गुआनिन रिच रिपीट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज़ 19th क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ट्राई टू आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द साइज। रेफर द गिवन पिक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट ए बी सी। ए बी सी के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वन है ए, यहाँ दिया हुआ है बी, यहाँ दिया हुआ है सी। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो जो पढ़ नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन को, आप मेरे साथ बस अटैच रहिएगा, तो मैं क्वेश्चन में ही कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो कि इससे रिलेटेड है, तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने रिवीजन नहीं कर पाए हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि यहाँ पर ए बी सी जो है क्या चीज़ शो कर रहा है। तो आपको बता दूं कि यूकैरियोटिक में होता है जो डीएनए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होना मतलब जो बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन रहता है जिसको हिस्टोन भी बोलते हैं। अब जो हिस्टोन का जिक्र होता है दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो हिस्टोन रहता है दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए जो रहता है दैट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हिस्टोन के बारे में थोड़ा बता दूं कि हिस्टोन जो होता है इट इज़ अ बेसिक प्रोटीन जो कि खासकर होता है आपका पाया जाता है सेल न्यूक्लियस में, और हिस्टोन में जो होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होता है, दे आर बेसिक इन नेचर, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक प्रोटीन। इसका खासियत ये होता है कि सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट सोल्यूबल इन अमोनिया, और ये जो होता है खासकर रेगुलेशन ऑफ डीएनए में मदद करता है। तो ये हो गया हिस्टोन का बेसिक्स मैंने आपको बताया। आप इसको चाहे तो फिर से रिपीट भी सुन सकते हैं या फिर आप गो थ्रू नोट्स, पर यहाँ पर जो चाहिए मैं वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देते रहूँगा जिससे कि आपको रिवाइज होते जाए। तो हिस्टोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे जो है हिस्टोन के बारे में। तो जनरली बोला जाता है फाइव टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है, जैसे कि होता है H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, दैट इज़ H3 होता है, और H4 होता है। पांच टाइप का हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसमें जो चार होता है वो खासकर हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। तो चार कौन सा होता है दैट इज़ H2A, H2B, H3 और H4। ये जो चारों होता है ये चारों कंबाइन करता है और ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। हिस्टोन ऑक्टामर को न्यू बॉडी भी बोलते हैं, NU न्यू बॉडी भी बोलेंगे, या फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं जो कि खासकर बनाता है। H1 जो होता है वो साइड से रैपिंग का, ये जैसे कि दिख रहे हैं ये सी सेगमेंट, ये H1 का काम करेगा, यहाँ पर इस तरफ से मदद करता है। अब जो रहता है खासकर इसमें जो होता है आपका ये जो रहेगा चारों मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बनाएगा और ये रैपिंग करेगा। जैसे मैंने बताया हिस्टोन इज़ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, खासकर बेसिक प्रोटीन होता है, और डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए इज़ रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली हिस्टोन ऑक्टामर जिससे कि वो फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम। तो आपका अगर बात करेंगे कि न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू व्हाट, तो बोलेंगे हिस्टोन प्लस डीएनए। ये दोनों को जब डीएनए को जब रैप अप हो जाता है तब जो होता है खासकर इसमें आपका बनता है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर में बात करें तो ये जो राउंड स्फेरिकल दिख रहा है डेट इज़ ए, डेट इज़ अ हिस्टोन। तो हिस्टोन में इसमें बताया H2A, H2B, H3 एंड H4, इसमें न्यूक्लियोसोम्स जो कि अंदर में न्यू बॉडी या फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है डेट इज़ अ बी पोर्शन, डेट इज़ अ डीएनए। बी पोर्शन इज़ डीएनए एंड सी पोर्शन इज़ H1 हिस्टोन प्रोटीन जो कि मैंने आपको बताया। आंसर विल बी सी होगा आंसर, जो कि क्लियरली आप इसको आप ध्यान में दीजिएगा। डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज जिसमें रैप अप होता है, जो कि रैप अप होता है हिस्टोन के साथ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज़ अ 20 क्वेश्चन, और इसमें बोला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम।
कौन से एंजाइम के द्वारा जो है अफेक्टेड नहीं होता है, यहाँ पर चार एंजाइम का जिक्र किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बोला है विच इज़ द नॉट अफेक्टेड, मतलब इस पर असर नहीं पड़ेगा। तो आंसर विल बी, पहले चेक करते हैं, डीएनएज़ बताया फर्स्ट वन, तो ये अफेक्ट करेगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट खासकर दिया गया था टू प्रूव द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। बाकी चार को हटा दीजिए, डेट इज़ आरएनए नॉट अफेक्टेड, लिपिड नहीं, पेप्टाइड नहीं। आंसर विल बी बी सी डी, बी सी डी विल बी द आंसर, क्योंकि नहीं किया गया था। ये खासकर जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो फिनमना था, जिसमें डीएनए को आइसोलेट किया गया था वन सेल से, जिसको अनदर सेल्स के अंदर जो डाला गया था 1944 में एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी जो किए थे, और उसमें देखा था वो इंजाइम को खास कर लिए थे, डेट इज़ अ प्रोटीज इंजाइम लिए थे, आपका आरएनए डाइजेस्टिंग डेट इज़ आरएनएज इंजाइम जो लिए थे, और ए जो होता है आपका लाइपेज, ए जो तीन होता है इससे कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। और लास्ट में कंक्लूड यही किए थे कि डीएनए इज़ ए केमिकल बेसिस एंड इट इज़ अ हेरिडेटरी मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 क्वेश्चन, दैट इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ डीएनए रेप्लिकेशन। आप ध्यान दीजिएगा, टर्म बोल रहा है इनकरेक्ट रेप्लिकेशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें पढ़ते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड इज़ अ फॉर्म बाय 5 to 10, ए सही है। ओकाजिक फ्रेगमेंट 5 to 3 डायरेक्शन, ए भी सही है। डीएनए पोल में कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3, ए भी सही है। तो आपका जाहिर सी बात है ए वाला गलत है, तो आंसर विल बी दिस वन, डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 3 to 5 डायरेक्शन, ए जो कि गलत है, क्योंकि सिंथेसिस जो होता है डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज अकर इन 5 to 3। ये आपका 5 to 3 डायरेक्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन में 3 to 5 दिया हुआ है, जिसमें होता है एक स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो कि कॉपी करता है सेम डायरेक्शन में अनवाइंडिंग हेलिक्स को, और अदर स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो रेप्लिकेशन जो लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस होता है, आपका लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस असिंथेसाइजिंग शॉर्ट सेगमेंट जो कि होता है ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन, जिसमें बताए थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो कि खासकर कंबाइन होता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आई एम एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द साइज, जिससे कि आप एक बार देख ले, तो थोड़ा सा हाइड हो गया है, इसको बड़ा करते हैं पहले इसको, ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लेबल ए बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ए स्ट्रक्चर जो है डेट इज़ अ फर्स्ट, इसको बड़ा करके हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर है क्या, तो फर्स्ट इसको जूम करते हैं, तो इसको ऑप्शन की तरफ चलेंगे, आइडेंटिफाई द लेवल ए बी सी डी इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो पहले कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये टीआरएनए का दिया हुआ है, सेलेक्ट द, इसमें पूछा है ए बी सी डी मार्क किया है। एक चीज़ जान लीजिए, ए इज़ दैट, दैट इज़ अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ए हो गया अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। आपका पर बच जाता है बी, बी जो है वो जो होता है डेट इज़ कॉल टी साई सी लूप बोलते हैं, डेट इज़ टी साई सी लूप। टी साई सी लूप होता है जो कि कंटेन करता है स्यूडो यूरिडीन एंड राइबोथाइमिडीन होता है, और लूप इज़ एक्चुअली साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, ए टी साई सी लूप जो होता है इट इज़ अ साइट फॉर द अटैचमेंट विथ अ राइबोसोम। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट इट इज़ द साइट फॉर द अटैचिंग विथ अ अमीनो एसिड। अब सी की तरफ चलते हैं, डेट इज़ बोलते हैं एंटी कोडोन लूप, एंटी कोडोन लूप होता है जो कि खासकर जो बोला जाता है कि एंटी कोडोन लूप जो होता है मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस फॉर द रिकोगनाइजिंग एंड अटैचिंग टू द कोडोन ऑफ एमआरएनए। तो जो एमआरएनए का जो कोडोन है उसके साथ ये जो है एंटी कोडोन उसके साथ अटैच आउट करेगा। नेक्स्ट तरह के है जैसे डी, डी को बोलते हैं डी एच यू लूप, दैट इज कॉल्ड डी एच यू लूप, जिसको फुल फॉर्म है डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप। डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप जो होता है इट इज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर एक एंजाइम होता है डेट इज कॉल एमिनो, थोड़ा सा लंबा नाम है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। एमिनो एसिटाइल सिंथेसिस एंजाइम जो होता है खासकर इसमें इसके साथ बाइंड अप करने के लिए होता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो जैसे मैंने बताया, ए विल बी एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट वाले छोड़ के उसको हटा दीजिए। तो ए पहले कट गया। बी जैसे बताया टी साई सी लूप, तो बी जो है डी टी साई सी लूप, तो ए कट गया, ए कट गया। तो आंसर विल बी, बी विल बी द आंसर, क्योंकि आपका एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट टी साई सी लूप, बाकी जो है उसको हटा दीजिए। आंसर विल बी बी वन। तो बी का जो आंसर है तो ये चलेंगे, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 23। इन वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ ए प्लस टी इज़ 0। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आपको बस इसके लिए याद रखना है चेगाफ्स रूल, जो कि 1950 में दिया गया था एरविन चेगाफ्स के द्वारा। उन्होंने प्यूरीन एंड पिरिमिडिन बेस का बोला था इक्वल अमाउंट इन डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इसमें सिंपल एक फॉर्मूला यूज आउट होगा, ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। आपको कॉन्सेप्ट ए वाला लेना है। इसमें था ए प्लस जी बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो आपको यही निकालना है ए प्लस जी बाय। तो आंसर विल बी 1, क्योंकि ए 1 आ जा रहा है, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टलते हैं, दैट इज़ अ 24 क्वेश्चन। केमिकली आरएनए इज़ अ रिएक्टिव एंड स्टेबल एज कम्पेयर टू द डीएनए। केमिकली जो बोला जाता है कि आरएनए इज़ मोर रिएक्टिव, कारण क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ओएच ग्रुप। जो आरएनए में जो होता है कार्बन टू पोजीशन पर ओएच ग्रुप रहता है, कार्बन टू पोजीशन पर आपका ओएच ग्रुप के रहने के कारण, दैट इज़ अ राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जो होता है उसके कार्बन टू पोजीशन पर ओएच ग्रुप होता है, जो कि हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है। यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू द थायमिन ऑफ डीएनए। आरएनए जो होता है म्यूटेट वेरी फास्टर रेट होता है और कोई रिपेयर सिस्टम नहीं होता, इसलिए आरएनए जो होता है वायरस के द्वारा शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और ये इन्वॉल्व करता है। तो आंसर विल बी डेट इज थर्ड वन, डेट इज मोर एंड लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू द डीएनए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ये भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, पहले इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उसके बाद चलेंगे। गिवन अ डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसके बारे में बताया हुआ है, तो इसके बारे में चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग इट, कौन सा है। तो आपको पहले बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर जो टोटली दिया हुआ है, दैट इज अ ए दिया हुआ है, फर्स्ट ए इज प्रोमोटर, टी इज टर्मिनेटर, और जो बीच का बचा हुआ है सी एंड डी। सी एंड डी जो होता है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर है। तो आपका जो है बीच वाला जो है सी जो है इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और डी को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपको एरो दिखा रहा है डैट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, इसका मतलब होता है जब भी डीएनए के ऊपर आरएनए का जब भी बनता है तो एक पहला चीज़ होता है दो यूनिट, यहाँ पर देखिए 3-5 होता है। डैट मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3- एंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड का 5- एंड होगा। सेम चीज़ है अगर इसके अपस्ट्रीम में मौजूद है तो उसको बोलेंगे प्रोमोटर। मतलब आपका टेम्पलेट स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड है, तो टेम्पलेट स्टैंड की 3- एंड ऑन अपस्ट्रीम विल बी प्रोमोटर, और 5- के पर रहेगा डेट इज अ प्रोमोटर। वहीं अगर आपका डाउन स्ट्रीम में लेते हैं तो डाउन स्ट्रीम विल बी द टर्मिनेटर। ये तो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का बता दिया। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है खासकर ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, तीन कंपोनेंट होता है, एक होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, और थर्ड वाला जो पार्ट है इसको टर्मिनेटर बोला जाता है। प्रोमोटर यूकेरियोट्स में खासकर इन्हेंसर का काम करता है। प्रोमोटर खासकर जैसे मैंने बताया कि अपस्ट्रीम में रहता है, बट इज 5- ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 5- ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड होता है, और 3- ऑफ टेम्पलेट स्टैंड में मौजूद रहता है।
टर्मिनेटर वही जस्ट उल्टा होगा, 5' और 3' जो होगा रिस्पेक्टिव। अब जो होता है प्रोमोटर होता है डिफरेंट फॉर्म उसमें रहता है, क्योंकि इसके पास प्रोमोटर के पास जो होता है एडेनिन और थाइमिन रिच रीजन होता है जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स होने के कारण यहाँ से स्टार्ट आउट होता है, डेट इज़ अ प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो पाता है क्योंकि इसके बेस पर चलता है। टाटा बॉक्स को आपको प्रिबनो बॉक्स भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा, डेट इज़ अ क्वेश्चन एम्स में बहुत बार आया है कि टाटा बॉक्स को प्रिबनो बॉक्स भी बोला जाता है। टाटा डेट इज़ अ थाइमिन एंड एडेनिन बोलेंगे। तो अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सी, डेट विल बी द आंसर विल बी द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन द इन यूकेरियोट हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए HnRNA जो होता है क्या ट्रांसक्राइब्ड बाय किस में किसके द्वारा होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, यूकेरियोट्स में 3 RNA पॉलीमरेज होता है, 3 RNA पॉलीमरेज होता है, जैसे कि फर्स्ट वन हुआ, तो RNA पॉलीमरेज 1 जो होता है लोकेटेड होता है न्यूक्लियोलस में और ट्रांसक्राइब करता है RRNA जिसमें हुआ 28S, 18S और 5.8S। RNA पॉलीमरेज 2 जो होता है खासकर लोकलाइज्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में एंड यूज्ड फॉर HRNA, mRNA और इसमें इस्तेमाल आउट होता है। अब थर्ड है डेट इज़ RNA पॉलीमरेज 3 जो कि लोकलाइज्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर और पॉसिबली न्यूक्लियोलर न्यूक्लियोप्लाज्म इंटरफेरेंस में रहता है और ट्रांसक्राइब करता है TRNA एंड SnRNA में मदद करता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा RNA पॉलीमरेज 2 जो कि खासकर लोकलाइज होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में और यूज फॉर HnRNA में मदद करता है। नेक्स्ट इज 27 क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ अ जीन इनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड एंड 25th यू इज म्यूटेड टू यू। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जो आंसर जाएगा डेट इज़ अ फर्स्ट वन। क्यों जाएगा बताता हूँ, यहाँ पर जो है फर्स्ट है UAA डेट इज़ अ नॉनसेंस कोडोन, इसका मतलब है कि वो किसी भी प्रोटीन या फिर अमीनो के साथ कोड नहीं करेगा। इट्स सिग्नल फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन, मतलब इसका आना कि प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाना, डैट मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन जितना है वहाँ पर स्टॉप आउट हो जाएगा। हेंस ओनली 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म, सिर्फ 24 ही बन पाएगा क्योंकि 25 कोडोन पर तो होता है UAA आ गया, तो UAA आ गया मतलब बंद हो जाएगा, तो बंद होना मतलब 24 ही बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, रेगुलेशन ऑफ जीन अकर एट द लेवल ऑफ, रेगुलेशन जो खासकर जो जीन का होता है 4 लेवल में होता है। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल जो कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, दूसरा होता है डेट इज़ अ प्रोसेसिंग लाइक स्प्लाइसिंग होता है, टर्मिनल एडिशन होता है या फिर मॉडिफिकेशन होता है, थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, अब फोर्थ लेवल हो जाता है डेट इज ट्रांसलेशनल लेवल। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन भी आता है, स्प्लाइसिंग भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 क्वेश्चन, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द हेट्रोक्रोमाटीन। हेट्रोक्रोमाटीन होता है जो कि खासकर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जनरली बोला जाता है कि अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइन जो रहता है उसमें 200 बेस पेयर ऑफ DNA हेलिक्स होता है। न्यूक्लियोसोम जैसे कि बताया रिपीटेटिव यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमाटीन बनता है। क्रोमाटीन जो होता है हेल्ड ओवर एक रहता है स्कैफोल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम होता है, NHC प्रोटीन होता है। सम प्लेस पर देखा गया क्रोमाटीन जो होता है डेंसली पैक्ड होता है, फॉर्म करता है हेट्रोक्रोमाटीन। तो हेट्रोक्रोमाटीन जो होता है इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव हो जाएगा। और कुछ जो होता है कुछ कुछ जगह पर देखा जाता है क्रोमोसोम जो होता है लूजली पैक्ड होता है, उसको यूक्रोमाटीन होता है। तो इसका मतलब डार्क वाला जो रहता है वो हेट्रोक्रोमाटीन होगा, स्टेन जो डार्कली स्टेन करेगा, जो लाइटली स्टेन करेगा उसको बोलेंगे आपका यूक्रोमाटीन। यूक्रोमाटीन जो होता है ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव क्रोमाटीन होता है जो कि हेट्रोक्रोमाटीन होता है, और ए ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव जो होता है खासकर
रेप्लिकेट कर या फिर करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर देन डीएनए पॉलीमरेज विच एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। आपका डीएनए सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज छोड़ के जो होता है आपका टोपो आइसोमरेज करता है, हेलिकेज भी करता है, आरएनए प्राइमेज भी करता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज होता है, क्योंकि बोला जाता है प्रोसेस ऑफ डी डीएनए जो होता है जिसमें पैरेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसका कॉपी होता है, तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो डीएनए सिंथेसिस में होता है, डीएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट रोल करता है जिससे कि एलॉन्गेट कर पाता है। आरएनए प्राइमेज जो बनता है शॉर्ट प्राइमर ऑफ आरएनए होता है जिसमें होता है 10 न्यूक्लियोटाइड लगभग होता है, और ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता है जिसको डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है। हेलिकेज जो एंजाइम होता है खासकर अनजिपिंग का काम करेगा, मतलब दो डीएनए को अनवाइंड करेगा। टोपोआइसोमरेज़ के बारे में बोला था जबकि अनवाइंड होगा तो टेंशन जो क्रिएट होता है उसको लूजन करेगा। आरएनए प्राइमेज जो होता है दैट इज आरएनए प्राइमर बनाने में मदद करेगा जिसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा और वो पूरी तरह से उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट को आगे प्रूफ रीडिंग के काम में मदद करेगा। नेक्स्ट इज 31 क्वेश्चन, व्हाट डज लैक रेफर इन द वीक ऑन लैक ऑपरन। लैक ऑपरन जो होता है उसमें लैक क्या होता है? तो लैक्टोज ओपरन बोलते हैं, लैक ओपरन का पूरा फुल फॉर्म है लैक्टोज ओपरन, जो कि खासकर ई कोलाई में रहता है और इसके अंदर कैटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो स्विच्ड ऑफ हो जाता है जब तक इंड्यूसर प्रेजेंट ना हो मीडियम में। तो इसका आंसर बोल जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 क्वेश्चन, द एरर रेट ऑफ चेंजिंग एन एरर इन करेक्ट बेस विथ अनदर इन करेक्ट बेस ड्यूरिंग अ प्रूफ रीडिंग इज। वो जबकि लिया जाता है डेट इज 1 in 10,000 लिया जाता है, 10,000 बहुत कम एरर रेट होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर्स टू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको रेफर्स करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर्स टू दैट इज अ मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल। मॉलिकुलर एनालिसिस होता है डीएनए सैंपल का, उसमें किया जाता है तो खासकर होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चूंकि एक ऐसा टेक्निक माना जाता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सर्टेन एरिया का डीएनए को एक यूनिक, मतलब हर इंडिविजुअल का एक यूनिक अपना होता है। डीएनए के पास जो होता है नॉन सिस्ट्रोनिक हाइपर वेरिएबल रिपीट सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं VNTR दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। अब जो होता है हर पर्सन का अलग होता है जिसके कारण जो होता है हर इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत हद तक अलग होता है जिससे कि वो आइडेंटिफाई किया जा सके। अनलेस अनलेस इट बिकम्स अ ट्विंस कैंडिडेट, ट्विंस का चांसेस है देयर मे बी चांसेस विल बी सेम। नेक्स्ट इज 34 क्वेश्चन, इन नेगेटिव ओपरॉन जो होता है कोप्रेसर बाइंड विद ए, प्रीवियसली रिपीट क्वेश्चन है सो इट विल बी द कोप्रेसर बाइंड विद द रिप्रेशन। नेक्स्ट इज 35th क्वेश्चन, जीन्स डेट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल। जो जीन्स खासकर जो होता है टर्निंग ऑफ में मदद करता है, जीन डाटा इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और ऑफ ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑन द स्ट्रक्चर जीन इसको बोलते हैं ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन जो होता है फंक्शनिंग ऑफ ऑपरन को खासकर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, इन द जीन एनकोडिंग द लैक रिप्रेसर इट इज म्यूटेटेड सो डैट इट कैन बी नो लॉन्गर बाइंड विद ऑपरेटर विल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द नो अकर। इसका आंसर आपका चल जाएगा कि विल द ट्रांसक्रिप्शन अकर, आंसर विल बी सी, जस्ट बिकॉज द ऑपरेटर विल नॉट बी बाउंड विथ अ रिप्रेसर एंड आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द लैक ऑपरन। क्योंकि जब बाउंड नहीं करे, क्योंकि लैक ऑपरन में जो होता है लैक ऑपरन में जब रिप्रेसर होता है नॉन फंक्शन होता है, इट कैनॉट बाइंड विथ ऑपरेटर साइड और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक ऑपरन जो कि खासकर होता है, तो नॉट अ लैक्टोज इज प्रेजेंट, आंसर विल बी द सी। 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन प्रोकैरियोट कैन अकर बाय, किसके द्वारा होता है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन जो होता है, रिप्रेसर बाइंडिंग ऑपरेटर एंड प्रिवेंटिंग अ ट्रांसक्रिप्शन, ए आपका सही है।
एक्टिवेटर बाइंडिंग अपस्ट्रीम फ्रॉम अ प्रोमोटर एंड पॉजिटिवली अफेक्ट है, ये भी सही है। अब जाहिर सी बात है दो सही हो गया, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर मोर देन ए, सॉरी ए एंड बी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर विल बी ए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज 38 क्वेश्चन, प्रोसेस यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ डीएनए फॉर फिंगर प्रिंटिंग इज, फिंगर प्रिंटिंग उसको बोलते हैं खासकर एम्प्लीफिकेशन किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया, डेट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, MERASE होगा, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीआर, पीसीआर खासकर होता है, एम्प्लीफिकेशन भी करता है और मल्टीप्लीकेशन भी करता है। लैक्टोज ओपरन प्रोड्यूसेस इंजाइम, खासकर लैक्टोज ओपरन जो होता है प्रोड्यूसेस इंजाइम, तीन इंजाइम्स बनाता है, डेट इज अ बीटा का लैक्टोसिडेज होता है, परमिएबेज होता है, अ ग्लाइकोज ग्लाइकोजन सिंथेटेज, मतलब सिंथेटेज इंजाइम, परमिएज इंजाइम, अब बीटा ग्लाइकोडेज, ये आंसर होता है ए ट्रांसएसिटाइलेज, जो खासकर ए जो होता है, पर ए वाला जो है ए वाला नहीं होता है, तो आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है, परमिएज होता है, ग्लाइकोसिंथेटेज नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ए होता है सही है, ए बी होता है सही है, ए बी होता है, तो आंसर विल बी द बी वन, क्योंकि थर्ड लेते हैं परमिएज नहीं होता है, ए बी नहीं होता है, सॉरी परमिएज होता है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज नहीं होता है, ए नहीं ए होता है, तो ये यहाँ पर थर्ड वाला कट गया, ए बी कट जाएगा आपका। फिर लेते हैं फॉस्फो ग्लूकोइसोमर, एक नया चीज़ है, ये नहीं होता, आंसर विल बी द बी वन, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसलेटेज एसिटाइलेज ये तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए जो होता है उसमें किसको बोलेंगे, तो सैटेलाइट डीएनए की जो खासकर क्लासिफाई किया जाता है किसमें, नॉर्मली बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए जो होता है डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, कोई भी कोड नहीं करता है, तो आंसर विल बी द बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोकैरियोट जीन रेगुलेशन अक्कर एट द लेवल ऑफ, अक्कर एट द लेवल ऑफ जो खासकर जीन रेगुलेशन होता है, तो इसमें जो हो जाएगा आंसर विल बी द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डेट मीन्स फ्रॉम आरएनए देन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है तब जीन रेगुलेशन खासकर एक्सप्रेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 क्वेश्चन, द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसट्रिप्टोफैन सिंथेसिस इन ईकोलाई इज ए एग्जाम्पल ऑफ अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन थ्रू, तो खासकर इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा डेट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल होता है। अब जो होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन जो होता है डिटरमाइन वेदर द जीन विल कोड नेसेसरी एंजाइम इन द ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस और नॉट, जो खासकर किया जाता है। नेक्स्ट इज 43 क्वेश्चन, तो 43 क्वेश्चन में लेंगे द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोटिक सेल जो खासकर होता है कौन सा सही जाएगा, जो होता है इनिशिएट अ प्रोमोटर यूजिंग अ वन ऑफ द थ्री आरएनए, ना एक गलत है, इनिशिएट अ स्टार्ट कोडन विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर एंड स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, खासकर बात किया है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल नहीं, तो थर्ड आंसर इनिशिएट एट द प्रोमोटर एंड यूजेस फॉर वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड सेंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, आंसर विल बी द थ्री, आंसर जो है थ्री आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस, इसमें दो ब्लैंक्स डाला हुआ, इज एन दैट इज एंडरगोनिक प्रोसेस, इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंडरगोनिक, ए वाला आंसर आ जाएगा आपका सी हो जाएगा, एंडरगोनिक प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस था, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जिसमें इनपुट ऑफ एनर्जी जो होता है प्रोसेस्ड होता है, एनर्जी जो होता है प्रोवाइडेड होता है इन द ब्रेकिंग ऑफ ट्राईफॉस्फेट होता है उसमें, तो आंसर विल बी द एंडरगोनिक प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर, तो उसको एनर्जी जो होता है नहीं होता है क्योंकि वो ट्राईफॉस्फेट को तोड़ता है। तो डेट इज 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडोन इज द करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच है इसमें देखने के लिए, तो आपको स्टार्टिंग से इसमें दिखना पड़ेगा, तो
लेते हैं फर्स्ट, दैट इज़ यूलिसिन, नहीं गलत है, स्टॉप कोडन इसको नहीं बोलते हैं, स्टार्ट कोडन इसको नहीं बोलते हैं, आंसर विल बी द यूएसी। एयूजी जो होता है इनिशिएशन कोडन लिया जाता है, तो यूसीजी होता है, तो एयूजी जो होता है इनिशिएशन कोडन होता है, स्टार्ट कोडन जो होता है एयूजी को खास कर जाता है, यहाँ पर यूसीजी बोला है तो यूसीजी होता है आपका करता है सेरीन के साथ, और एयूजी को इनिशिएशन कोडन बोलते हैं। ट्रिपल यू जो होता है वो फिनाइल एलानिन के साथ करता है, फिनाइल एलानिन के साथ कोड आउट करेगा। यू जी यू जो होता है वो कोड करता है सिस्टीन के साथ, आंसर विल बी द टायरोसिन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई हैव कंप्लीटेड प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन, एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड द 45 important question from the molecular basis of inheritance. That means you have 90 most expected question that may appear in the examination of NET. So आप लोग इसको question को देखिए, अच्छे से समझिए और इसको concept को बनाइए। If any type of doubt, please ping me one time. आप चाहे तो comments करिए या फिर just message me on my WhatsApp number. I will make it clear all the concept if required anything more, because these two chapter are very much conceptual. आपको concept होना सबसे बड़ा चीज़ है, we can't remember everything. It is essential to build up concept which will help in increasing the concept knowledge also. Next we will start with the evolution. We will start in the next video. For today, all the best, and for better, just practice much question from the genetics to hold the concept well and to get the good marks. Thank you.